मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला रोड में गुरुवार को आपसी विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। इसमें महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। इसमें महिला व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की पूरी वारदात गली में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर अफरातफरी की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने लाठी डंडों से मारपीट की, इस दौरान पत्थर भी चल गए। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल में वीना मेहता, अंकित कुमार व अनुभव कुमार शामिल है। वीना के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि अंकित के सिर व हाथ में चोट लगी हुई है। मामले को लेकर पीड़ित अंकित ने बताया कि 14 दिसंबर को उनकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है। घर में शादी का माहौल है। मां दर्जी के यहां जा रही थी। आरोप लगाया गया कि दूसरे पक्ष ने दिल्ली से कुछ लोग बुलाए थे। दर्जी के पास जाने के दौरान मां से झगड़ा करने लगे। बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसमें वे और उनके भाई भी घायल हो गए। घटना की सूचना पर नगर पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी। दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति से घटना की पूरी वारदात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरी माँ का नाम वीना मेहता है। हमारे घर में 14 तारीख को शादी है मेरी सिस्टर की। मेरी माँ दर्जी के यहाँ जा रही थी। उसी सिलसिले में ये लोग बाबूलाल प्रसाद गुप्ता और उनके परिवार दिल्ली से कुछ गुंडे तत्व के लोग को बुला के रखे थे, जिनके साथ मेरा पहले भी एक बार विवाद हुआ था। वो लोग घर में घुस के मारने की कोशिश किए थे, जिसकी घटना दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हुई है। आज पुनः उसी घटना को दोहराने की कोशिश की गई। इस समय क्या हुआ, मेरी माँ को उन लोगों ने अकेले पाकर उनके ऊपर पत्थर और बाकी चीजों से, घरेलू सामान से हमला किया, जिसमें वो जख्मी हो गई। बाद में बीच बचाव में मेरे आने पे मुझे भी हमला किया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सिर फट गया मेरा, हाथ में भी गंभीर चोट है। मेरे भैया, मैं और मेरी माता जी। क्या घटना, क्या है घटना का कारण? घटना का कारण कुछ खास नहीं है। इन लोगों ने पुराने विवाद को लेके आज फिर से वही विवाद चालू किया। क्या था पुराना विवाद? जो दिल्ली से गुंडे तत्व के लोग आए हैं, उनके पिताजी ने मुझे गाली दिया था। वहां पे मेरा फ्लैट है, वो गाली गलौज करते रहते थे हमेशा पीखा के, किसी के भी साथ। वहां मोहल्ले समाज में बहुतों के साथ उनकी लड़ाई हो चुकी है। मेरे साथ भी वही घटना करने की कोशिश की, तो मैंने इसकी शिकायत वहां की पुलिस में दे दी। उसी बात का खुलास निकालने के लिए, और यहाँ बाबूलाल प्रसाद गुप्ता, जो कि पिछले दिनों भी आप लोग देखे होंगे अभियुक्त था, अलग अलग मायने में ये लोग कुछ ना कुछ विवाद करते ही रहते हैं। इन लोगों ने पूरा साठ गांठ करके गुंडे तत्व के लोग को बुला के, कौन-कौन, मारा नाम बताइए, कौन-कौन जी? बाबूलाल प्रसाद गुप्ता और उनके 10 स्टाफ होंगे, उनका बेटा सुमित कुमार, उनकी बहू पूजा कुमारी, और दिल्ली से जो गुंडे बुलवाए थे उनकी पूरी फैमिली, जिसमें अश्वनी मेहता के 2 बेटे चंद्र प्रकाश मेहता, दीपक मेहता, और उसकी वाइफ, दोनों की वाइफ। कहाँ पर लड़ाई हुई? ये शुक्ला रोड में हुआ है। एक घटना मैं आपको और बताना चाहूंगा। ये चंद्र प्रकाश मेहता जो है, उसकी शादी कुछ दिनों पहले टूटी थी। अभी एक्चुअल में टूटी भी नहीं है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए दोबारा से शादी कर लिया है। इलीगल मैरिज है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है। मां का क्या नाम है? वीना मेहता। और कौन घायल है ना, उनका नाम? सोनू मेहता, जो मेरे बड़े भाई है, अनुभव मेहता उनका नाम हुआ। हमारी माता जी, घर में हमारे विवाह है बहन का, चचेरी बहन का, तो उसी के मार्केटिंग के लिए मोहल्ले के बगल वाले गली से जा रही थी, जिसमें पूर्व से घात लगाए हुए अपराधी तत्व के लोग बाबूलाल और उनके बेटा और दिल्ली से बुलाए हुए अपराधियों को, चंद्र प्रकाश मेहता और दीपक मेहता और बाबूलाल की बहू पूजा कुमारी सब, और नीरू देवी के घर में जिनके यहाँ ये लोग बैठे हुए थे, सब लोग पूर्व में घात लगाए हुए थे कि माता जी हमारी उधर से जाए, तो उन पर गाली गलौज। और जब गाली गलौज का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो लोग घर से निकल के मारपीट करने पे उतारू हो गए। और मारपीट करने का नतीजा ये हुआ कि लोहे के रॉड और धारदार हथियार से उन्होंने हमारे माता जी को घायल कर दिया। और मोहल्ले वाले के बीच बचाव में आने के कारण ही हमारी माता जी आज बची हैं। और जब मोहल्ले वाले के द्वारा हम लोग को खबर दिया गया, तो हम और हमारा भाई वहाँ पहुँचे, तो हमारे भाई पे भी हमला कर दिया गया, और देख सकते हैं कि हम पे भी बीच बचाव में गए तो हमको भी घायल किया गया। कौन कौन था मारपीट में? बाबूलाल, उनका पुत्र सुमित कुमार,
उनकी बहू पूजा कुमारी थाना में गए थे। हाँ हाँ, थाना पर बाबूलाल जी अरेस्ट हैं और हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो आरोपी हैं वो छूटना नहीं चाहिए और उनका जल्द से जल्द पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाए और वो जेल जाए। नाम बताइए अपना। दिल्ली से जो गुंडा बता दिए, नाम बताइए ना। मेरा नाम हुआ एडवोकेट अनुभव मुकेश मेहता, मैं यहाँ महानगर अध्यक्ष हूँ, जेडीयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ। ठीक है, आप सब दिल्ली।